हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल चंदेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी दुनिया चैनल। और आज मैं आपके साथ ग्रेटर नोएडा के सबसे सस्ते प्लॉट के बारे में बात करूंगा। मगर क्या सस्ते प्लॉट होना ही आपके लिए सब कुछ है? बहुत से लोग सस्ती प्रॉपर्टी को ही अपनी इन्वेस्टमेंट का आधार मान लेते हैं। फिर वहां कोई डेवलपमेंट हो या ना हो, वहां कोई ऑक्यूपेंसी देखने को मिले या ना मिले, आज हम ऐसे ही एक सेक्टर का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है साइट सी, जो ग्रेटर नोएडा के 130 मीटर रोड से बिल्कुल सटा हुआ है। तो यदि आप भी सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से केवल इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ सस्ता प्लॉट अवेलेबल है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और फिर डिसाइड करें कि यहाँ प्लॉट लेना आपके लिए एक सही विकल्प है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ग्रेटर नोएडा का साइट सी एक ऐसा सेक्टर है जिसे बहुत से लोग सस्ती प्रॉपर्टी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग पैसे की कमी होने के चलते ऐसा करते हैं, तो कुछ लोग इस उद्देश्य से इस सेक्टर पर विचार करते हैं कि उनको कम पैसों में एक बड़े प्लॉट का आनंद मिलेगा। UPSIDC यूपी गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी है जिसका गठन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए किया गया था, और इसलिए वो निरंतर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए काम करती रहती है। फिर चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट्स को ही डेवलप करना हो, और इसलिए ये सभी प्लॉट्स भी UPSIDC द्वारा लोगों को रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रूप में आवंटित किए गए थे। और आज की तारीख में ये सभी प्लॉट्स रीसेल में ही अवेलेबल हैं। UPSIDC के प्लॉट होने के चलते ये प्लॉट ग्रेटर नोएडा के दूसरे सेक्टर के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि इन प्लॉट्स का ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस एरिया के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पर कोई ध्यान देती है, और यही कारण जो इस सेक्टर को बैकफुट पर करता है। और रहने के लिहाज से आप इस सेक्टर में उस इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनरी का मजा नहीं ले पाएंगे जिसके लिए ग्रेटर नोएडा जाना जाता है। और यही कारण है कि साइट सी में कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उसे ग्रेटर नोएडा से ही जोड़ा जाएगा, जिससे कि कंज्यूमर को ये लगे कि इस प्रोजेक्ट में भी हमें ग्रेटर नोएडा के बाकी सेक्टर की ही तरह डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैरामाउंट का गोल्फ फॉरेस्ट भी इसका जीता जाता उदाहरण है, जिसका रिव्यू मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज का हर दूसरा इंसान अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, फिर चाहे वो आज का बुद्धिजीवी युवा हो या फिर दिहाड़ी मजदूर। मगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले केवल सस्ता होना ही उसकी इन्वेस्टमेंट का आधार ना बनाए। इस सेक्टर में चार ब्लॉक हैं, ए, बी, सी और डी, जिसमें ए ब्लॉक में 300 मीटर के 693 प्लॉट्स, बी ब्लॉक में 200 मीटर के 207 प्लॉट्स, सी ब्लॉक में 95 मीटर के 128 प्लॉट्स और डी ब्लॉक में 160 मीटर के 52 प्लॉट्स हैं। और सेक्टर के अंदर की रोड प्लॉट के साइज के हिसाब से 9 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर की दी गई है। इसके अलावा UPSIDC ने भी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तर्ज पर इस सेक्टर में 9 पार्क दिए हैं, जो कि सेक्टर के अलग अलग ब्लॉक में हैं। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन पार्क और यहाँ की ग्रीनरी का ग्रेटर नोएडा के सेक्टर से कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि इनकी देखभाल और मेंटेनेंस करने वाला यहाँ कोई नहीं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो UPSIDC के सेक्टर होने के चलते ये सेक्टर गेटेड तो है, मगर कोई खास सिक्योरिटी ना होते हुए ये एक ओपन कॉलोनी की तरह ही लगता है। अगर बात करें सेक्टर की कनेक्टिविटी की, तो परी चौक से ये सेक्टर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजियाबाद से ये सेक्टर 24 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और यहाँ से इंडियन रेलवेज का बुड़ाकी स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ केवल पैसेंजर ट्रेन ही रुकती हैं। अगर बात करें मेट्रो की, तो यहाँ से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन डिपो स्टेशन का पड़ता है, जो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा के 130 मीटर लिंक रोड पर होने के कारण भी लोग इसमें ये सोचकर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं कि आज नहीं तो कल इसके रेट तो बढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लॉट के रेट की, तो यहाँ पर 15,000 से 20,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के रेट हैं। यदि प्लॉट का साइज बड़ा है तो प्लॉट का रेट सस्ता है, और यदि प्लॉट का साइज छोटा है तो रेट महंगा है। तो यदि रेट के हिसाब से अगर आप इस लोकेशन को देखते हैं, तो यकीनन पूरे NCR में इससे सस्ता अथॉरिटी का प्लॉट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि UPSIDC भी गवर्नमेंट की ही बनाई गई एक इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, और इसलिए ये सभी प्लॉट्स भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। आप चाहें तो इन पर लोन भी ले सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि निवेश के मामले में एक रेजिडेंशियल प्लॉट से बेहतर कुछ नहीं। मगर एक बात आपको सावधानी से समझनी होगी कि फ्लैट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाती है। मगर यदि बात करें एक रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो यहाँ सबसे अहम भूमिका होती है लोकेशन की और उस लोकेशन पर ऑक्यूपेंसी की। इसलिए यदि आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट में लोकेशन, डेवलपमेंट और ऑक्यूपेंसी को अनदेखा कर रहे हैं, तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। किसी भी लोकेशन पर इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर विचार करें कि आप खुद इस जगह 1-2 साल के अंदर रह सकते हैं या नहीं। यदि नहीं, तो आप जैसे बहुत से एंड यूजर्स उस जगह पर कैसे रह पाएंगे?
और जब तक किसी जगह पर एंड यूजर्स नहीं आते तो उस जगह का विकास नहीं होता। और UPSIDC के साइट सी के प्लॉट्स में भी आपको अगले 5 से 6 साल में कोई खास ऑक्यूपेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि आप ये सोचकर यहाँ इन्वेस्ट करने के सोच रहे हैं कि आप यहाँ एक बड़ा सा विला बनाएंगे, तो 300 मीटर की जगह 150-200 मीटर का ही प्लॉट खरीदें, लेकिन जितना हो सके परीचौक के पास। आप चाहें तो एक एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट को हायर करके 200 मीटर के प्लॉट पर भी एक शानदार विला बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक खराब जगह का चयन करते हैं तो 1000 मीटर का विला भी आपके लिए बेकार है। मगर फिर भी ये प्लॉट्स उन लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प है जो लोग बजट ना होते हुए 20-25 लाख में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्रॉड बिल्डर की एग्रीकल्चर लैंड पर फ्री होल्ड के नाम पर प्लॉट और विला खरीद रहे हैं। और वो लोग भी यहाँ रुक कर सकते हैं जो नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 2 या 3 के प्लॉट्स नहीं खरीद सकते और रहने के लिए एक अफोर्डेबल मकान की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यहाँ से नोएडा एक्सटेंशन आप मात्र 15 मिनट में पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से भी कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसे ही निष्पक्ष वीडियो का आनंद लें। जय हिंद।